श्रीमती सुषमा पटेल जी, विधायक मड़ियाहू जौनपुर से मेरा आग्रह है कि वे आए और एक मिनट में अपनी बात रखें। श्रीमती सुषमा पटेल जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथीगण और हमारे मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं और हमारे साथी विधायकगण विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे। हम सभी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज के कमजोर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच निरंतर कार्य किया। लगातार हम उनके बीच, उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में खड़े रहे, किंतु बिना किसी कारण के और बिना हमारा पक्ष जाने बहुजन समाज पार्टी ने हम विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में, चूंकि हम जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमने अपने क्षेत्र के समर्थकों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं से बात की। जनता की आवाज़ पर, जनता की इच्छा पर समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश में भय, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत का जो माहौल है, जो इस समय महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, कमजोर का जो उत्पीड़न हो रहा है और जिस प्रकार से आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, उसका एक ही समाधान है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाना। और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया जाना, यही पूरे उत्तर प्रदेश की भावना है और यही उत्तर प्रदेश की कामना है। और यह भावना वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अवश्य पूरी होगी। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए हम सभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।